गुड इवनिंग, शाम का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं, मैं, मम्मी और प्रीति जग रहे हैं। दीपू एक काम से गया है और मम्मी अनार निकाल के लगाए लाए हैं, क्योंकि अनार ना दिखाओ खराब लग रहा है ना, नहीं लगता खराब लग रहा है थोड़ा सा। देखो मम्मी ने ये पकड़ो मम्मी, और हम लोगों ने सब काम खत्म किया। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं नहाई हूँ, टाइम उसको लाल हो गया, फक गए टाइम। आप देखो अभी कितने 4:15 हुए, और मम्मी तो पूछो मत, सबसे ज़्यादा काम तो मम्मी करते हैं घर का, है ना। हम खाने वगैरह का काम कर रहे हैं, ये सब बर्तन निकाल के रखे हैं। बहुत ऊपर तक सामान था और सब हम लोगों ने ऊपर चढ़ा दिया, कुछ इन्होंने हेल्प कराई, कुछ हम सब मिल के सब काम किया। और अभी मैं नहा के जस्ट तैयार हुई, क्योंकि तैयार होना भी यार ज़रूरी है। और एक व्लॉग मैंने ख़त्म किया, उसको एडिट करके डाला। मेरे को एक यार व्लॉग, मतलब ताज़े व्लॉग आप डाल दें तो सही रहता है। और मैं कोशिश कर रही, एक दिन मिस हो गया था, अदरवाइज मैं रोज़ अपना जो व्लॉग होता है वो डालती हूँ। एंड अभी मुझे पीने में गर्म पानी, खाना मैं 1 meal a day ही ले रही हूँ। सो मेरा खाना आज 3:30 बजे हो गया था, अभी 4:15 बजे मुझे गर्म पानी में नींबू डाल के पीना है। ऐसा लग रहा है पटना जैसी लाइफ फिर से लाइक ट्रैक पे आ रही है, खाने का सब अरेंजमेंट अच्छा हो रहा है और सब कुछ। और की रोटी अच्छी लगी, एंड जो मैंने बनाया था बिना दिल के वो अच्छा लगा। अभी शाम का हम देखेंगे क्या करना है, मम्मी बस थोड़ी देर में अभी रोटी बना के रात के लिए रख देंगे। रोटी का मेन होता है कि अगर आप रोटी वगैरह बना के रख दो फिर सब्ज़ी तो बनी जाती है ना। और जैसे आपके घर में जो फंक्शन है, शादी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम होता है ना, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें ज़्यादा है। तो हम लोग ना खाने का काम ये रखते हैं कि नहीं यार, खाना सबसे पहले है, काम तो होता रहेगा। इसे खाने का अरेंजमेंट हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। ये सब मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। अभी हम चलते हैं खेत में, नहीं पहले हम पानी गर्म करते हैं फिर हम चलेंगे खेत में। मम्मी सामने काम कर रही है, अंदर वाला जो काम है वो हो गया है। इनको मैं लेकर जाऊँगी थोड़ी देर में ऊपर, बाकी सब सामान हमने ऊपर रख दिया है। और शाम को या फिर कल ऊपर वाले पोर्शन की सफाई होगी। ऊपर वाले पोर्शन में आई थिंक बहुत पहले सफाई हुई थी, अभी सफाई नहीं हुई है। ये ऊपर लेके जाना है, ये छोटा कुकर किसका है, मेरे को समझ नहीं आ रहे बर्तन कहाँ से, कितने बर्तन आ रहे हैं। सो मम्मी बोल रहे कुछ कुछ बर्तन ऊपर लेके जाएंगे, और हो सकता है शायद आज ऊपर के लिए एक दो चीज़ें और लेनी है। ये है नींबू, इसमें गर्म पानी, और इसमें है ग्रीन टी। ये हो रहा है चूल्हे पे पानी गर्म, अभी हम थोड़ी सेकेंगे आग। अरे आँखों में धुआं पड़ रहा है ऐसे ना, हम पानी आपको क्या करना है पानी। अच्छा वैसे रखा है ये, मैं आज हम गर्म पानी से नहाया, चूल्हे पे गर्म पानी किया था आज ना यार, वो नहीं है भाई, कितना अच्छा लग रहा है आज ना, वो नहीं है, लाइट नहीं है घर पे, आज दुख रही है मेरे को ना। जब भी मैं नोता ना तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, और इसके बाफी मेरे को चाय पीने का उतना दिल नहीं करता। तो मैंने ना अभी नींबू पानी, पहले तो नींबू पानी पीना था, फिर मेरे को याद है यार मैं थोड़ी ग्रीन टी पी लेती हूँ। यार इतनी ठंड बढ़ गई है ना यहाँ पे, प्रीति आ गई स्कूटी लेके, निकाली है ये थाली हम लोगों के बचपन की है, मेरी दीपू की गाय दीपू के दोनों ना दीपू ले जाती छोटी दूसरी है। देखा प्रिय प्रीति लिखा है इसके ऊपर, नहीं लिखा नहीं है, अंजू रजू बना लिया तेनों प्रिय बेटी खाने वाली प्लेट, और हम खाते थे ना कुछ जगह से रख लो ऊपर ले जाते हैं उसको ना। मैं कहती हूँ प्रीति को, मैं कहती हूँ जब देख रख दिए चल दिए रख लो, हाँ ऊपर ले जाओ, फिर तू ऊपर लेके जाना है ना, ठीक है चलो। अभी ऊपर का सामान हम लेके जाते हैं, इसको भी ले जाते हैं यार थोड़ा सा ऊपर को। ऐसे तो स्टेमिना काफ़ी है, बट ऊपर चढ़ के सांस फूल जाती है वो भी 8-10 चक्कर कंटिन्यू लगा के। ये बैग लेके जाना है नीचे, इसमें कुछ सामान डालना है यार, कुछ स्टफ वगैरह चीज़ें उठा के फिर ऊपर लेके आना है ना। हाथ से धो दी थी अपनी कि सूख जाएंगी, फिर मैं पहन लूँगी, लेकिन ये सूखी नहीं है अभी तक, मैं धूप में भी डाली फिर भी नहीं सूखी है, और लाइट आज है ही नहीं, कपड़े आज हम धुल नहीं पाएंगे। झूले पे आके अब नहीं काम करने का दिल कर रहा है ना, आने से पहले जो काम करूँ करूँ, इसके बाद मेरे को इतना मन नहीं होता काम करने, फिर थक जाते हैं। पिल्लो रख के ऐसे लेट सकते हैं आराम से। हम लोग जाएंगे मार्केट, दीपू आएगा कड़ी लेके,
फिर हम उसके बाद उसकी कार से जाएंगे। कार के बिना बहुत दिक्कत हुई, अपनी गाड़ी होती तो आराम से बंदा जा सकता है, बट यार आप पटना से गाड़ी लेके नहीं आ सकते। एक बार सोच भी ले कि चलो बंदा एक स्टे करके आ सकते हैं, ऐसे पटना से चले हम लोग तो हम एक स्टे ले सकते हैं आगरा में या फिर लखनऊ में, है ना। आगरा में लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, लखनऊ में नहीं रहेगा। तो अगर लेके आ भी जाएं तो लेके जाने के लिए टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, गाड़ी की बैंड बच जाएगी, उसकी ब्रेक के क्लच सब घिस जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी। तो गाड़ी जहाँ पे हमारी 10-15 साल और चलेगी, मुझे लगता है 5 साल में गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, कि इतना दूर आप नहीं ट्रैवल कर सकते। कानपुर फिर भी उतना दूर नहीं था, बट पटना से लाना मुश्किल बहुत है, गाड़ी की लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। तो बस अब धीरे धीरे आदत पड़ेगी गाड़ी की बिना रहने की, या फिर एक कोई सेकंड हैंड वगैरह गाड़ी इधर लेके रख लें। बट अभी तो हम इतना फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, शादी है या थोड़ा है ना, फिर तो वैसे महीने में एक बार या दो बार बंदा आता है, फिर हो जाता है मैनेज, है ना। बट अभी जैसे मैं चलाती हूँ ना, मेरे को बड़ा मन करता है अपनी गाड़ी चलाने का, पहाड़ों मेरे को बड़ा शौक है गाड़ी का, इनको नहीं फील होता उतना, मेरे को होता है। दीपू की गाड़ी पे हाथ नहीं, मेरा हाथ साफ नहीं है उसकी गाड़ी, मुझे अपनी गाड़ी भी मैंने प्रैक्टिस करी थी, उसकी गाड़ी पे इतना मेरे को इतने सराहना रख लो पीछे, देखो कितना अच्छा लग गया यहाँ से, देखो उधर संत क्या सी नहीं, हाँ वो है तो पिल्लो रखना पड़ेगा ना, इधर नींद अभी आएगी ना शाम का मौसम, बस एक बैग लेके आई नीचे को, हाँ खाना हमारा हो गया बस, क्या काम चाय पियोगे नहीं, मैं चाय मैं पीऊंगी, तुम्हारी ये तुम्हारी सॉक्स है, ये धोगी वाली कितनी सुंदर है ना यार, कपड़े धुलने वाले पड़े हैं बहुत सारे, टूटेगा ये टूटेगा, इतने दो तीन तीन लोग बैठ जाते हैं इस पे, मैं राधा चाची हम सब बैठ जाते हैं तीन तीन इस पे। अभी हम दोनों बैठे थे ऊपर, हम लोग मार रहे थे गप्पे, और लोग बोलते हैं कि आप लोग ना साथ में ब्लॉग नहीं बनाते, हाँ, तो मैंने बहुत लोगों ने कमेंट किया और बोलते हैं कि प्रिया प्रिया और प्रीति आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी लग रही है, और जब आप शादी में दोनों बहनें इतना अच्छे से हम सब कर रहे हैं ना, तो सबको इंतजार है साड़ी पहन लो सब लोग, मेरे को भी यही लग रहा है साड़ी पहन लो, क्योंकि ये वाला जो आउटफिट है तो अच्छा है, पर आई थिंक पता नहीं कभी पहन सकती, डे फंक्शन में ज्यादा अच्छा लगे लाइट कलर शायद से, बाकी तो जो वो टेलर थे वो टेलर मैम उन्होंने भी साड़ी कहती, मैम सब साड़ी एक से बढ़कर एक है आपकी, हाँ मतलब कहते साड़ी साड़ी सब बोलते साड़ी तो फिर साड़ी ही है, और सिर्फ 2 घंटे का पानी है बस, हाँ सिर्फ 2 घंटा तो पहननी है साड़ी, है ना इसके साथ भी, और अगर बाई चांस दोनों ले चलना दोनों साथ में घूम भी ना हो जाएगा कहते एक ना, है ना ये पता नहीं क्यों नहीं चाय छोड़ती, बहुत चाय पीती है, मतलब पहले मैं भी बहुत पीती थी, आई नो कि जब आप स्टार्ट करते हो दूसरों को ज्ञान देते हो, बट आई थिंक पियो प्रीति, अब ना अब हम आज इसके लिए ये अपने ब्लॉग में बताइए क्या लेने जा रहे हैं, मेरे लिए क्या, अच्छा वो चंडीगढ़ वाले घर में रखा हुआ था, एक टूट गया है, इतना सुंदर लग रहा है, मैंने ऊपर लेके ना सामान मैंने पहले यही रखा इधर, सुंदर लग रहा है ना जी, आ गए हैं सब्जी वाले भैया, गोभी लो, चलता कभी भी ऐसा मेरा वेट ऐसे हो पाएगा, नहीं तो मेरा तो मुंह ऐसे फूल गया था ना, ठीक हो गया अब ठीक हो गया ना, 57 के करीब है तेरा वेट, 58 तो चलो है ही, पहले 60 जिस दिन वेट आया मेरा 60 हाई, मैंने मीठा सब छोड़ा था ना, क्योंकि तो काम यहाँ पे वर्कर लगे वजह से ना, केवल हम लोग चार बार नहीं वो चाय तीन चार, अभी तो तेज चीनी और हमें भी तेज क्रीम की आदत पड़ गई थी बहुत तेज, ये जो व्यू है ना सामने से हमारे मतलब ये इस बालकनी से, ये एकदम ब्रेथ टेकिंग, यू नो जब हम ताज अगवाड़ा गए थे गोवा में, तो पता है ऐसे लगा ही नहीं कि हमने कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो हम वो रूम बुक कर रहे थे, ऐसे व्लॉग नहीं बनाते अपना, ये कितना सोना यार, ये वाला येलोइश आ रहा है ना, ये वाला जो मस्त वाला है सनसेट इधर दिखता है, पता है लगा था कि सनसेट तो दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, बट बालकनी से दिखता है येलो, ये जो कलर आ रहा है ना येलो वाला, ये इधर देखना मस्त, कैमरा भी इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा, जो एक्चुअल में है ना वो तो इतना प्यारा लगता है, वाह ए मुस्कान, ए हाँ जी मुस्कान आओ 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 आओ, अरे जब हम आते हैं ना वो प्यार गिरती है, ये मुस्कान मुस्की के छोटे बेबी से वो मुस्की, यार शुक्र है क्या, हाँ ऐसे नहीं मेरे को ये था कि स्केचर्स में मिलेंगे, मैंने कहा वो ऐसे थोड़े हाइट में, कहते वो तो कोई नहीं आते, तो फिर मुझे लगा कि यार कहाँ मैंने मतलब मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे नहीं पता था क्रॉक्स के है पैर में से, ये जुराब मेरे भी तो यही सेम जुराबे हैं, ये पिंक और एक दूसरा कलर है, हाँ पानी तो है अंदर, गर्म नहीं है पानी है,
छोटा वाइपर चाहिए मम्मी को। नहीं अच्छा हाँ ये तो ऊपर ही पड़ा है, ये तो कब दबाऊंगा। तो मेरे ये पहन ले, मेरे को अपने दे दे। नहीं मैं थल्ले तक साफ करके पहन। ये हमारा महाराजा व्हाइट लाइन का जो गीजर है, 15 kg बहुत हो गया, 15 लीटर। हमारा 10 किलो का है। 10 लीटर का? हाँ 10 किलो, 10 लीटर का। चलिए नीचे ना। चलो लेट्स गो। चलो हम नीचे। प्रिय जो इयररिंग्स है ना तुमने मुझे झुमके झुमके नहीं, ये टॉप्स टॉपर्स होते हैं टॉप्स जो दिए हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ और प्रिय इयररिंग देखो ये जो मैंने पहने हुए हैं, ये पिछली बार ये मुंबई से लिए थे। मेरे फोन को प्रिय ने ऐसे सेम दे दिया, कवर ये वाइट वाला लेने लगी थी बट वाइट मिला नहीं, बट ये भी अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छे। प्रिय पहले मैंने मिरर नहीं लगवाना था, क्या निकाल देखो प्रिय, पहले मैंने यहाँ मना कर दिया शीशा लगाने का। हाँ छोटे वाला टावल भी है, पैर साफ करने वाला कोई टावल नहीं मैडम यहाँ पे, नहीं वो लेने कोई धुलने वाला कपड़ा लेने। होटल से क्या उठा के लाते हैं, अच्छे लगते हैं ना ये तो। ये हमने तो पे किया होता, ये तो हमारी वो लेके जाने वाली होती है। प्रिया देख पहले मैंने तो शीशा को मना कर दिया भैया को, क्योंकि मुझे लगा कि बेड के सामने है, बट फिर जब मैंने ना वो किया फिर मैंने बाद में बोला, मैंने कहीं लगा दो है ना, जैसे अभी हम रेडी होते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, अलग से खरीदना पड़ता है ना जैसे मैंने खरीदे। हाँ बट यहाँ पे प्रिय वो स्पेस भी है, मैं साइड में वहाँ पे ये रूम जितना बड़ा है ना जो हाँ। हमारा पटना वाला घर है, घर मेन बेडरूम है हाँ। वो इससे भी बहुत बड़ा है। सफाई में बहुत टाइम लगता होगा ना, सफाई करने में फिर तो लगता है कि ऊपर मुझे इसे काम करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। अपने आप क्योंकि यहाँ पे इतनी डस्ट मिट्टी तो आती नहीं है, है ना, बिल्कुल मिट्टी नहीं आएगी, बिल्कुल साफ रहेगा। मैं पहले ना मैं नीचे ही सबके जूते से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हम लोग तो मैनेज करते हैं। तो गर्मी में दरवाजा खोल के अपनी बाहर ठंडी हवा, शाम को फराटा लगा के बैठ जाओ। इतना बड़ा रूम है ना ये। हाँ एसी, मतलब एसी भी अगर है, रूम बड़ा है हाँ, हम लोगों के रूम से छोटा है, ऐसे बहुत बड़ा रूम है। बट ये गांव के हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग तो बहुत सही है। ये ले ले, बाहर रख ले इसको निकाल के, पैर मत साफ करना। नहीं पैर के लिए मैं ना वे बोलती थी अपने व्लॉग में कि जब प्रिया दीदी आएंगे तो वो हमारे घर में रुकेंगे, पहले मैं उनके घर में जाती थी ना। कोई बात नहीं वॉश कर लें, क्या करना तूने इसको, पैर में मत लगाना, इसको बाहर ही रख लेना हैंड वगैरह वॉश करने के लिए। हाँ के बाद हम लोग चले गए गुलमोहर, मम्मी हमारे बहुत रो रहे थे आज, मम्मी का मूड बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ बीच में हुई है कि कुछ बहुत मम्मी का इम्पोर्टेंट था वो गुम हो गया है, सो इसलिए मम्मी का मूड थोड़ा ठीक करने के लिए हम लोग उनको ले आए बाहर। इवन मम्मी ने घर पे खाना बनाया था बट हमने बाहर आके थोड़ा पीनट मसाला खाया, सूप पिया और हम उसके बाद वापस आ गए ताकि मम्मी का मूड थोड़ा ठीक हो जाए, बट उनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वापस आते आते हम लोग देख रहे थे कहीं सी के यहाँ पर शादी हो रही थी, तो हम लोग ले यार बस कुछ दिनों की बात है फिर हमारे घर में भी ऐसी रौनक लगेगी, शादी शादी कर रहे हैं, जब शादी वाला दिन होगा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और आते टाइम हम लोग ले आए हैं ब्लाउज वगैरह सब कुछ स्टिच होके आज हमारा आ गया है। मैंने बोला मम्मी आप ट्राई कर लो, मम्मी कह रहे मेरे को मन नहीं करा ट्राई करने का, मम्मी का मूड बहुत ऑफ था, मम्मी बहुत रोई थी, ये बोल रहे कि नहीं क्यों रो रहे हो ऐसे, सब मम्मी को फ़ोन करके समझा रहे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मम्मी का था वो, आई डोंट वॉन्ट डिस्कस एनीथिंग, लाइक मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं इसके बारे में करना चाहती हूँ। ये है मेरा ब्लाउज, प्रीति का ब्लाउज, मम्मी का ब्लाउज, सूट कपड़े सब स्टिच होके आ गए। मुझे लगता है ज़िंदगी में जितना हमारी किस्मत में होता है हमको वही मिलता है, जो किस्मत में नहीं होता वो नहीं मिलता, इसलिए भगवान की मर्जी समझ के जो अब मिल रहा है उसको लो, और जो किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा, तो उसमें कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि यार दुखी होने से आप एक दो दिन सैड रहोगे रोओगे क्या मिल जाएगा, उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रीति का सूट देखो कितना अच्छा फिटिंग आया है, वो यही बता रही थी यार, गर्म सूट मेरा भी अच्छा फिट है, उसका भी अच्छा फिट है, लेकिन पता नहीं बाकी सूटों का फिटिंग उतना अच्छा नहीं है। गुड मॉर्निंग, मैं बना रही हूँ चाय, जिसको मैंने स्लो गैस पे करा है, थोड़ी सी पत्ती मैंने और डाली है, और गिलास मैंने निकाल के रख दिया कि हिमाचल में स्टील के गिलासों में चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। रात को ले आए थे ये वाली साड़ी, इसको मुझे प्रेस करवाना है, बट आज प्रेस वाला काम नहीं करना है, ये मेरा सूट है जिनको मैंने यहाँ पे टंगा के रख दिया। मम्मी का, प्रीति का, सबका ब्लाउज वगैरह सूट फिटिंग सब ठीक आया है, जो ब्लाउज है उसका जो फिटिंग है बिल्कुल भी ठीक नहीं आया, उसका जो हुक है वो जैसे ही मतलब लगा वो बिल्कुल निकल गया, एकदम मतलब बेकार ब्लाउज बना है, इसको बिल्कुल फिटिंग नहीं है।
और एक तीन चीज़ों का फिटिंग ठीक नहीं है, बाकी का फिटिंग ठीक है, तो आज वो वापस लेके जाना है और राशन डलवाना है जो भी मतलब घर का अभी आने वाले टाइम में लगेगा। और फाइनली हमको मेरे को प्रीति को मम्मी को पार्लर जाना है, मम्मी का आईब्रो का सब काम जो है वो करना है, उसके बाद थोड़ा सा कपड़ों की दुकान पे जाना है, कुछ कपड़े सूट्स है मम्मी को वो खरीदने हैं, मतलब जैसे मम्मी के बहुत क्लोज जो उनको देने के लिए, तो वो मम्मी के लिए थोड़े से सूट खरीद के रखने। वैसे मम्मी के लिए कार्ड पर मैंने लिखा है कपड़ों का लेन देन नहीं होगा, फिर भी थोड़े से कपड़े मम्मी के लिए खरीद के मैंने कुछ रखने हैं, तो वो सब काम आज करना है। वापस आके ये वाली जो साड़ियाँ वगैरह, ये ब्लाउज है मम्मी का है ना, इसको मैं फिर सेटिंग करके रखूँगी कैसे कैसे कब कौन सा पहना है। ये मेरे सूट्स हैं, ये इसका मतलब वो कमीज है, ये सलवार है। अब ये वाले सूट मेरे देखे हुए नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। इसके दुपट्टे ऊपर छत पे, तो मैं इन सब का काम वापस आके करूँगी। मेरी ये साड़ी मैंने यहाँ पे रख दी, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये वाली मम्मी पहने साड़ी या फिर वो जो न्यू ली है वो वाली। दीप तू बोला वैसे ये वाली पहननी चाहिए, थोड़ी चमकीली टाइप, अच्छी भी अच्छी लग रही है ये, मतलब ये सब ठीक करवाने के लिए लेके जाना है वापस से। एक तो ये वाला ब्लाउज जो मैंने सोच से लिया है, उसको मैंने बोल मतलब मैंने उनको बोला था मैम को कि ये वाली बाजू ना टाइट करनी है, क्योंकि यू नो साड़ी का जो एक फिटिंग है वो प्रॉपर आए तब अच्छा लगता है। ये वाला ब्लाउज तो बहुत अच्छा है, इसका अगर आप हुक देखोगे लाइक इसकी जो फिनिशिंग देखोगे बहुत अच्छी है। ये मैंने मतलब सोच से पटना से ऑनलाइन लिया था। इसके बाद ये सूट है जिसका बिल्कुल फिटिंग ठीक नहीं आया है, बहुत अच्छा स्टफ है इसका, यहाँ से बेकार फिटिंग आई है। दो बार ठीक भी कर लिया पर फिर भी इसकी फिटिंग जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं जा रही हूँ, मैं वहीं पे अपने पार्लर वगैरह का काम करवा लूँगी, तो और मैं वहीं पे मैम जब ठीक करेंगे इसको उसके बाद मैं ट्राई करके देख लूँगी। ये ठीक कराना है। उसके बाद आप लोग बोल रहे थे ना कि प्रियंका तुम वो, ये इसका फिटिंग बहुत अच्छा है, ये मैंने फिटिंग के लिए दिया था और लाइक रेफरेंस के लिए भी मैंने मैम को दिया था, पर पता नहीं यार कि अगर होच पोच हो जाती है ऐसे बहुत सारे सूट्स होते हैं ना, बट यार मेरे को बड़ा दिल दुख रहा था मेरे, क्योंकि दो बार मैं लेके आई, मैम ने बोला था ट्राई कर लो बट मैंने ट्राई नहीं किया। और ये मेरा येलो सूट है जो कि मैंने बटने पे हल्दी पे डालना है, ये इसका भी सब फिटिंग पूरा ठीक है, लेकिन यहाँ से इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो अच्छी नहीं आई है, तो इसको भी फिर ठीक कराने के लिए लेके जाना है। सूटों का ना कचर बचर हो गया। और ये जो साड़ी का आप लोग बोल रहे थे ना कि ब्लाउज साड़ी का पहनो, इसका तो बिल्कुल फिटिंग, यहाँ से इसकी जो ये वाली लाइन है सिलाई है नीचे को आ रही है, और बाजू इसकी मतलब ऐसे मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, ये इसका जो ये वाले बटन ऐसे लगाते ही ये सब निकल गया, और लेकिन ये वाली जो इसकी वो है ना ये क्या बोलते हैं इसको, ये भी पूरे पक्के नहीं है, तो इसका तो मेरे को बड़ा, इससे मेरा बड़ा दिल दुखा, हाँ यार क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ से बड़ी अजीब सी फिटिंग आई है इसकी, ये वाली मुझे लग रहा है हो सकता है मेरा वज़न कम हो गया है उस वजह से, बट मैंने ब्लाउज़ का नाप तो इस बार दिया था और रेफरेंस के लिए मैंने वो भी दिया था, तभी मेरी मम्मी बोलते हैं कि सब सूट ना इकट्ठे नहीं देने चाहिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने वैसे पहनना तो ये वाला ही है, ये वाला, और जो साड़ियाँ हैं सबकी उनके साथ मेरे पास दो पेटीकोट हैं, बट दो पेटीकोट लेने पड़ेंगे, तो आज हम सब काम मार्केट वाला फिनिश करके आएंगे जाके। मम्मी ने चला दिया आग, और मैं सेक रही हूँ आग और पी रही हूँ चाय, यहाँ पे मम्मी लगा रही है चूल्हे पे तड़का, मैं बोल रही हूँ मम्मी तेल क्यों डाल रहे हो, बनानी है गाजर मटर और जिसमें पता टमाटर कितना डाला है, आलू भी डाला मम्मी, वो निकाल के रखी है शुगर की मशीन, मम्मी को शुगर चेक करानी है। मम्मी को खाना बनाना अच्छा लगता है, हम लोग बोलते रहते हैं गैस पे बनाते हैं गैस पे, मगर नहीं मुझको चूल्हे पे बनाना आता है। अंदर राशन में क्या क्या लाएंगे हम लोग, राजमा चावल, अंदर जरा कमाड़ा जा दिख रहा चेक करके, हाँ चने की दाल हैगी है वहां पे, फिर माता भी ले आने है दो दो किलो, वहां राजमा दो दो किलो ठीक है, मिक्स करके बन जाएगा, और व्हाइट छोले, हाँ चना लेंगे दो किलो, दो किलो राजमा ले आऊंगे, दो किलो राजमा, हाँ पहले मैं खुद लाऊं तड़का अंदर जाके, फिर ये कटो क्या तेल टमाटर सेब भी डाल लो।
जो फाइनली मैं कर रही हूँ घर की सफाई, नीचे वाले पोर्शन से मैंने स्टार्ट किया है, ऊपर वाला बाद में करेंगे। वैसे ऊपर वाला साफ ही है, उतना साफ करने की जरूरत नहीं है, बट नीचे वाले से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट कि बेड के कॉर्नर एसी के नीचे कंप्लीट अच्छे से डस्टिंग हो। बेड के नीचे सब वो कंबल वम्बल सबको मैंने धूप धूप कल लगवा ली थी, आज बस मैं सेट करके रख रही हूँ। उसके बाद पापा और दादाजी की फ़ोटो है उसको मैं थोड़ा सा साफ करके लगा रही हूँ। और बेड के पीछे ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, इस पर रोज़ डस्ट पड़ जाता है। अगर आज साफ़ करूँगी 3-4 दिन ठीक रहेगा, रोज़ रोज़ की रोज़ कर दिया करूँगी। मेरे को होता है सबसे पहले सफाई कर लो, उसके बाद फिर खाने का काम करो। मम्मी बोल रही खाने का मैं कर लूँगी, तुम लोग सफाई कर लो। और चलो ठीक है, इसके बाद लिखना है राशन जो जो लेके आना है, जैसे कि मेहमान आना जब शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हलवाई लगाएंगे, लेकिन उसके पहले दो हेल्पर भी लगाएंगे, तो उनको थोड़ा सामान चाहिए होता है खाने पीने का, तो वो सब हमने लिख के अभी रखना है। तो वो प्रीति लिख रही है और इसलिए हम सब मिलके काम कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ सफाई। एज यूज़र मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। कपड़े मैंने धो दिए, सफाई कर दी, सबके कपड़े लगा दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कपड़े सिलने वाले वो सब काम मेरा है, ख़रीदारी का काम। लेकिन मुझे रोटी बनाने का काम उतना अच्छा नहीं लगता, सब्जी बना देती हूँ, बट इनको मेरी सब्जी फिर बिना तेल वाली अच्छी तो लगी, बट इनको होता है कि नहीं तेल डालना है, तो फिर मैं इनको कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है यार, जिसको जिस ढंग से अच्छी लगती है वो उसी से कर लेगा। बाकी जी अभी जो मैं इधर एंड करती हूँ, आपसे मिलती हुई न्यू व्लॉग लिस्ट बन गई हमारी। अब हम जाएंगे मार्केट में और हम लोग 40-45 मिनट में निकल जाएंगे। मैंने खाना बना दिया, अब मैं एक बार पीऊँगी चाय। मैं हाथ मुँह धो के ही जा रही हूँ कि आके फिर मैं मतलब पार्लर भी जाना, तो मुझे आके नहाना है। वैसे मैं शाम को नहाई हूँ, अब जब से शादी है घर में तो मैं शाम को ही नहाती हूँ। दिन में भी मैं नहीं नहाती, नहा के जाऊँगी तो फिर पार्लर वाला मेरा काम उतना नहीं हो पाएगा। और मैं सोच रही हूँ मैं नेल एक्सटेंशन लूँ, बट यार अभी शादी में थोड़ा टाइम है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि शादी सिर्फ 2-3 दिन पहले लो, पता नहीं वैसे मैं क्या करूँगी। मुझे हेयर कलर लेना है, मेरे को मन कर रहा है हेयर स्पा लूँ, हेयर कलर लूँ, पेडिक्योर कराऊँ, मम्मी की आईब्रो करानी है, मम्मी का एक फेशियल भी करा दूँ, बस सब सामान खरीदेंगे। इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। इसको मेरे एंड करते हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ कि साथ के साथ मैं ब्लॉग डाल पाऊँ, साथ के साथ मैं काम भी कर पाऊँ। दैट्स इट फॉर टुडे, लाइक जरूर करना, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी रील्स को इतना प्यार देने के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा है यार, चाची जी पा रहे हैं, ताई जी अभी अपने मायके गए हुए हैं, तो मेरे ताई जी की लड़की वगैरह जो मैरिड है वो अभी आएंगी, जो यहीं पे रहते हैं, तो वो आए थे। बहुत सारी गप्पे मारी हम लोगों ने रात को, और बहुत लेट हो गए थे हम लोग सोने के लिए। फिर तो मतलब लेट तो हो ही जाते हैं, 12 बजे आता है, वो कहते आप सो जाओ हम लोग जा रहे हैं, नहीं यार बैठते हैं गप्पे मारते। बड़ा मज़ा आता है शादी से पहले, बस उनका और पार्लर जो बुक करा है उनसे बात करनी है। सो जी आज बहुत सारा काम, आज मेरे को मन है कि आज हम मार्केट जाएं और इसके बाद फिर हम घर पे ही रहें, यूजुअली जो घर का बाकी काम है वो फिनिश करें, एंड बाकी आज हमारा वो काम खत्म हो जाए। यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है साड़ी का, जो मैंने साड़ी ली है इसको मैं यहीं से प्रेस करके जाऊंगी तो कैसे रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे वहां पे जाके इसको प्रॉपर प्रेस करनी पड़ेगी, यहाँ से प्रेस करेंगे तब भी तो उसको बेंड मतलब वो प्रेस का निशान तो पड़ेगा ना, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये आप लोग मुझे आइडिया नीचे जाके दे सकते हो। मेरे चेहरे की ऐसी बैंड बज गई है यहाँ पे, पता नहीं मेरा चेहरा क्यों साफ लग रहा है, बट ये नया हो गया अभी जस्ट, ये हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है यार, बताना कुछ हल अगर आपके पास है। मैं तो ग्रीन टी, पानी, शुगर नहीं ले रही हूँ, सब चीजें अच्छे से कर रही हूँ, कहीं मेरे को कोई हार्मोनल इशू तो नहीं। रखे हैं मम्मी ने गिलास निकाल के, इन पे ना नेल पॉलिश के निशान लगा के रखे हैं, 30 गिलास हैं, तो ये हमने अभी शुरू कर दिए। ऐसा आप लोग करते हो कि नहीं मेरे को बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ पे क्या होता है नेल पॉलिश का निशान लगा लेते हैं, फिर ना घूम नहीं होता, निशानी लग जाती है आपके पांडे बना रहे हैं अपने आप से लिस्ट की कि हम बस निकलने वाले हैं 10 मिनट में। मम्मी आपके नाखून क्या हो गए, दिखाओ दिखाओ क्या ये नाखून खोलो, ये वाला काम कर करके ये पांडे तो के तत्तर ठंडे पांडे पांच गए ये पांडे बांध कितने मंगावा प्रिया वो कहा था मां दी दाल कितने मंगावा गया था चला 4-5 किलो पांच चार किलो है? मुझे नहीं पता कितनी चाहिए होती है। देखो अब ये तो पितरा दे होए छोले 4 किलो लिख ले छोले लिख दीपू ने बोला